नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का बढ़ता एफटी न्यूज चैनल। आइए देखते हैं रायबरेली की खबर। रायबरेली केंद्र का सरकार की महत्वाकांक्षी उज्ज्वला योजना के तहत ऐसे परिवारों को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराना जो लकड़ी में खाना बनाने के लिए मजबूर है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने ऐसे से ही 20 लाभार्थियों को अपने हाथों से निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए हैं। लाभार्थी महिलाओं ने ऑनलाइन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात भी की। उन्होंने लाभार्थी महिलाओं से उनके परिवार और रहन सहन के बारे में जानकारी दी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने आज जनपद पहुंचकर उज्ज्वला योजना के तहत 20 महिलाओं को अपने हाथों से निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए। जिले में 40,000 लाभार्थियों को निःशुल्क मिलना है गैस कनेक्शन। लाभार्थी महिलाओं ने इसके लिए उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार को धन्यवाद भी दिया। लाभार्थी बेबी पांडे ने बताया कि वह लगभग 10 सालों से चूल्हे में खाना बनाती थी। धुएं से उन्हें काफी दिक्कत होती थी, लेकिन अब उन्हें गैस मिलने से राहत मिलेगी। एक वृद्ध महिला लक्ष्मी देवी 40 सालों से लकड़ियों में खाना बनाने के लिए मजबूर थी। उन्होंने भी इस योजना का लाभ लेकर सरकार का शुक्रिया अदा किया। क्या नाम है आपका? बेबी पांडे। क्या मिला आज, कैसे क्या? गैस कनेक्शन मुझे प्राप्त हुआ समृद्धि की तरफ से। उसके लिए मुझे मोदी जी ने यहाँ इन्वाइट किया, जिससे हमें बहुत अच्छा लगा। और हम चूल्हे में पहले खाना बनाते थे, अब हम गैस से समय से बच्चे को स्कूल भेज सकते हैं। इसके लिए मोदी और योगी जी के लिए धन्यवाद। खतरा था क्या उनको? लग रहा था कि राम जन्मभूमि के संबंध में उन्होंने नेतृत्व किया था, इसलिए कोई जाएंगे तो उनपे स्टाम्प लग जाएगा। क्या वो कोई सांप्रदायिक आधार पर नहीं गए? क्या वो कोई जाति आधार पर नहीं गए? क्या वो कोई और कारण रहा होगा, इसमें विपक्ष के लोग बताएंगे। लेकिन निश्चित रूप में दुखद प्रसंग है। छदम लोगों को नाम देकर और वो कराने का एक क्रम जो लोग करके भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं वो जनता जानती है। सर, समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आज डाला गया है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, दूसरे राज्यों के आरएसएस के कार्यकर्ता है, वो अराजकता फैलाने के लिए यहाँ पे बूथ पे उत्तर प्रदेश में भेजे जा रहे हैं। देखिए, अपनी जब हार सुनिश्चित देखते हैं विपक्ष के लोग, तो कोई भी दुष्प्रचार से पीछे नहीं हटते। उनको हार स्वीकार करने की आदत डालनी चाहिए। लोकसभा में हारे, विधानसभा में हारे, दोनों चुनाव में हारे, एमएलसी के चुनाव में हारे, जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख में हारे। अब भविष्य की हार उनके सामने दिखाई पड़ रही है, इसलिए वो कोई भी बहाना लेके किसी पर कोई आरोप लगा सकते हैं। उनके आरोपों का कोई आधार नहीं। एक सवाल ये है पत्रकारों के लिए, कोई बोले नहीं, पत्रकारों के लिए यह सवाल है, रायबरेली के आप प्रभारी मंत्री भी हैं और डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के हैं आप, तो रायबरेली के पत्रकारों को कोई सुविधा तो आप दिलवाएंगे? जो पूरे प्रदेश में माननीय पत्रकारों के लिए जो भी विशेष सुविधाएं दी गई, आपने देखा वो कोरोना के संक्रमण काल में और कोई जिले के लिए अलग से कोई सुविधा नहीं होती, जो पूरे प्रदेश के लिए।